स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन मतलब मेरा पास क्वेश्चन होगा फ्रैक्शन के फॉर्मेट में, मींस पी बाई क्यू फॉर्मेट में। तो ऊपर में एक फंक्शन पी एक्स मैंने बोला, नीचे में एक फंक्शन क्यू एक्स। ओके, पी बाई क्यू फॉर्मेट में रहेगा, उसको हम लोग इंटीग्रेशन बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए कुछ रूल हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले क्या क्या रूल है मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग फ्रैक्शन करेंगे, उसके बाद कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। ये फ्रैक्शन का रूल ऐसा है कि हम लोग पी एक्स बाई क्यू एक्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में अगर करेंगे तो इंटीग्रेशन ज्यादा इजी रहेगा। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो कुछ रूल होता है कि अगर डिग्री ऑफ पी एक्स इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला जो फंक्शन है उसका डिग्री ज्यादा हो और नीचे वाला का कम हो और इक्वल हो, तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट नहीं कर सकते। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ऊपर का डिग्री छोटा बन जाएगा, नीचे का बड़ा हो जाएगा। ओके, तब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। ओके, अगर डिग्री ऑफ पी एक्स इट्स लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स, इसका मतलब क्या, ऊपर का डिग्री छोटा हो नीचे का बड़ा हो, तब हम लोग डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ओके, तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए पहले मुझे चाहिए क्या, ऊपर का छोटा डिग्री होना चाहिए, नीचे का बड़ा होना चाहिए, तब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। अगर ऊपर का बड़ा है तो पहले डिवाइड कर देंगे तो ऊपर का छोटा बन जाएगा, तब हम लोग फिर पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ओके, तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, देखो उसको मान लो कि मेरा क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा रहा होगा, Px plus b Cx plus d। तो इसको मतलब कि दो लीनियर फैक्टर qx क्या बना होगा, दो लीनियर फैक्टर अगर फॉर्मेट में है तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, a by ax plus b plus b by cx plus d। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब क्या है, हमको भाग करना है, मींस दो पार्ट में या तीन पार्ट में या चार पार्ट में हम लोग लिखेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करने में इजी बन जाएगा। ओके, तो अगर लीनियर फैक्टर है तो हम लोग दो पार्ट में लिख सकते हैं, दो लीनियर फैक्टर है तो दो पार्ट, तीन लीनियर फैक्टर है तो तीन पार्ट बना सकते हैं। तो पहला a बाय मींस पहला वाला प्लस b बाय सेकंड वाला, तो a एंड b का वैल्यू कैसे निकालेंगे मैं बताऊंगा फिर। ओके, अगर ऐसे फॉर्मेट में है तो हम लोग ऐसे भाग करना है उसको। ओके, नेक्स्ट सेकंड में अगर मेरे पास ax plus b cx plus d का होल स्क्वायर है, मींस एक तो लीनियर है दूसरा भी लीनियर है लेकिन लीनियर का अगर स्क्वायर है, तो ऐसे फॉर्मेट में अगर होगा तो कैसे भाग करेंगे, देखो a by ax plus b तो जैसे लीनियर को भाग करता था, प्लस b by cx plus d, ओके, प्लस c by cx plus d का होल स्क्वायर। मतलब जो स्क्वायर टर्म है उसको दो बार हम लोग डिवाइड मींस भाग करना है। ओके, एक बिना स्क्वायर वाला और एक स्क्वायर वाला। ओके, तो ये एक ही टर्म दो भाग दो पार्ट में हम लोग लिखेंगे, एक बी बाय और एक सी बाय। ओके, अगर मान लो एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर होता है और इसका स्क्वायर नहीं होता तो कैसे बनता, इसको ए बाय एक्स प्लस बी प्लस बी बाय एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी बाय सी एक्स प्लस डी। अगर दोनों में स्क्वायर होता तो दोनों दो दो पार्ट होते, मींस ए बाय एक्स प्लस बी प्लस बी बाय एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी बाय सी एक्स प्लस डी प्लस डी बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ओके, समझ में आ रहा है, मींस जो भी स्क्वायर है हम उसको दो पार्ट करेंगे, एक बिना स्क्वायर वाला और एक स्क्वायर वाला। अगर qx ax plus b into cx square plus d means एक linear में होगा और एक quadratic में होगा, cx square means x का power 2 है मतलब quadratic equation, x का power 1 है मतलब linear equation। अगर एक linear factor और एक quadratic factor दोनों है तो इसको कैसे हम लोग fraction में बदल लिखेंगे, देखो
ए बाय जो लीनियर है एक ही कांस्टेंट ए एक्स प्लस बी, और जो क्वाड्रेटिक है, जो क्वाड्रेटिक है उसमें दो कांस्टेंट लगेगा, एक बी और एक सी। बी एक्स प्लस बी, बी के साथ एक्स मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद प्लस सी, नीचे क्या है सी एक्स स्क्वायर प्लस बी। आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये सी और ये सी दोनों अलग अलग है, ये कैपिटल सी है हम लोग का, ओके ये कैपिटल सी है, ओके तो अगर लीनियर और क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक को कैसे करना है, दो कांस्टेंट लगेगा, एक कांस्टेंट के साथ एक एक्स मल्टीप्लाई होगा प्लस एक कांस्टेंट रहेगा, मींस बी एक्स प्लस सी बाय सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। ओके तो ये तीन प्रोसेस है, हम लोग जो भी क्वेश्चन है हम लोग का ऐसे ही फॉर्मेट में रहेगा, उसको हम लोग पहले फ्रैक्शन बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे ए बी ऊपर वाला में देखो ए एंड बी का वैल्यू अगर मेरे को पता चल गया तब हम लोग इजीली इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ओके इसको इंटीग्रेशन क्वेश्चन में पूछा गया होगा ऐसे फॉर्मेट में इंटीग्रेशन, तो हम लोग उसको ऐसे पहले लिखेंगे उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे तो बहुत इजी बन जाएगा। तो ये ऐसे फॉर्मेट में होगा तो क्या करेंगे हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे उसके बाद इंटीग्रेशन ही करेंगे। ओके ऐसा में होगा तो यहाँ पे ए बी सी तीन का वैल्यू निकालना पड़ेगा उसके बाद इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले फ्रैक्शन बनाएंगे उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, तब ये इंटीग्रेशन हम लोग का बहुत इजी बन जाएगा। ओके तो मैं पहले दो फॉर्मूला को डिराइव कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग एक एक करके क्वेश्चन बनाएंगे। ओके तो मेरा पहला फॉर्मूला है डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको बनाऊंगा, देखो पहले इसको मैं लिख सकता हूँ डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या बन गया देखो एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, मीन्स इसका इंटीग्रेशन हम लोग को करना है। अब बताओ ये दोनों लीनियर फैक्टर है तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के प्रोसेस में हम लोग जा सकते हैं, तो कैसे करूंगा देखो पार्शियल फ्रैक्शन में लेट वन बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, तो मैं कैसे बनाऊंगा फ्रैक्शन लीनियर फैक्टर है तो ए बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स प्लस ए। अब आप लोग देखना ए बी ए एंड बी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, अब बता इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या बनेगा एलसीएम, तो वही एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ऊपर में क्या बन जाएगा ए इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए, इधर क्या है हम लोग का वन बाय एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। अब बताओ नीचे वाला तो दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस। ओके तो यहां से हम लोग ए एंड बी का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो पहला मेरा काम है ये ए वाला पार्ट को जीरो करो, तो ए वाला पार्ट को हम लोग कैसे जीरो कर सकते हैं, अगर ये वाला एक्स प्लस ए जीरो होगा तभी ना जीरो होगा, तो x प्लस ए कब जीरो होगा जब x का वैल्यू माइनस ए होगा। ओके तो एक बार हम लोग x के जगह माइनस ए इनपुट करेंगे, अब सेकंड चलते हैं हम लोग b वाला पार्ट को जीरो करेंगे, तो b वाला पार्ट मतलब x माइनस ए को जीरो करना है मुझे, x माइनस ए जीरो कब होगा जब x का वैल्यू a बनेगा, तो हम लोग एक x का वैल्यू एक बार माइनस ए लेंगे और एक बार प्लस ए लेंगे, इसको एक बार जीरो करना है इसको एक बार जीरो करना है, इसको जीरो करने से बी का वैल्यू निकलेगा, इसको जीरो करने से ए का वैल्यू निकलेगा। ओके तो एक्स का वैल्यू मैं माइनस ए ले रहा हूं, एक्स का वैल्यू माइनस ए ले रहा हूं, अब जो भी वैल्यू इनपुट करना है पूरा टोटल में इनपुट करना है, तो बोलो क्या बन जाएगा वन इज इक्वल टू ये तो जीरो बन गया, अब ये माइनस ए माइनस ए माइनस टू ए, तो माइनस टू ए इंटू बी, अब बोलो बी वैल्यू क्या बन गया माइनस वन बाय टू ए। ओके अब एक्स का वैल्यू फिर एक बार क्या लेना है हम लोग को ए, तो ए वैल्यू इनपुट कर लेते हैं, तो ए वन इज इक्वल टू ये ए प्लस ए क्या बन गया टू ए इंटू ए, ये तो हम लोग का जीरो बन जाएगा, अब बोलो ए का वैल्यू क्या बन गया वन बाय टू ए, समझ में आ रहा है, तो ए एंड बी का वैल्यू हम लोग को पता चल गया, अब हम लोग इनपुट कर सकते हैं ए के जगह वन बाय टू ए और बी के जगह माइनस वन बाय टू ए, तो ये क्या बन के आ गया देखो ये बन गया हम लोग का वन बाय टू ए एक्स माइनस ए
माइनस बी का वैल्यू माइनस वन बाई टू है ना, तो वन बाय टू है एक्स प्लस ओके, तो इसका वैल्यू मैंने लिया था ये, तो हम लोग को इसको ही तो इंटीग्रेशन करना है, मतलब इसको इंटीग्रेशन करना है हमको, तो इसको हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है ओके। तो ए एंड बी वैल्यू मिलते ही हम लोग इनपुट कर देंगे, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। तो देखो अब वन बाय टू ए दोनों टर्म में है, तो वन बाय टू ए आगे चला आया ओके। अब बताओ वन बाय एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, लॉन एक्स माइनस ए का मॉडुलस माइनस, अब वन बाय एक्स प्लस ए का मॉडुल एक वन बाय एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, लॉन एक्स प्लस ए का मॉडुलस। तो ये क्या बन के आ गया, देखो वन बाय टू ए लॉन ए माइनस लॉन भी क्या बनता है, लॉन ए बाय बी, तो वन बाय टू ए लॉन एक्स माइनस ए नीचे एक्स प्लस ए का मॉडुलस प्लस सी ओके। तो ये हम लोग का फॉर्मूला बन गया, क्या है हम लोग का फॉर्मूला, वन बाय टू ए लॉन एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए का मॉडुलस प्लस सी। तो एक फॉर्मूला निकल गया, क्या क्या बना, डीएक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनता है, वन बाय टू ए लॉन एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए का मॉड प्लस सी ओके। अब देखो इसमें अगर रूट ओवर रह गया तो दूसरा हो जाता है, क्या बनता है, लॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर का रूट ओवर का मॉड प्लस सी, यहाँ पे रूट ओवर नहीं है याद रखो ओके। तो मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला देखो डीएक्स बाय स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो मैं इसे कैसे बनाऊंगा, पहले मैं फ्रैक्शन बनाता हूँ, वन बाय स्क्वायर माइनस स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और इसको इसको क्या कैसे लिखूंगा, dx बाय a माइनस x इंटू ए प्लस एक्स ओके, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब बताओ a माइनस x इंटू ए प्लस एक्स को हम लोग कैसे फ्रैक्शन करेंगे, दो लीनियर फैक्टर है ना, तो इसको a बाय a माइनस x प्लस बी बाय ए प्लस एक्स। अब बताओ इसको दोनों को इक्वल करेंगे तो इसका एलसीएम भी तो वही बनेगा, ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, तो दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या बनेगा, वन इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस एक्स प्लस बी इंटू ए माइनस एक्स ओके। अब बताओ एक्स इसको जीरो करेंगे, कैसे करके जीरो करेंगे, एक्स का वैल्यू माइनस है, तो एक्स का वैल्यू अगर माइनस है इनपुट किया तो क्या बनेगा, ये जीरो ये माइनस है तो ए प्लस है टू ए, तो टू ए इंटू बी, मतलब b का वैल्यू 1 बाय 2a। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या इनपुट करूंगा, यहां पे x का वैल्यू a, तो ये बन गया 0, अब a प्लस a 2a, तो 1 इज इक्वल टू 2a इनटू b, मतलब a का वैल्यू भी हम लोग सॉरी 2a इनटू a, तो a वैल्यू क्या बन गया 1 बाय 2a। अब a का वैल्यू भी 1 बाय 2a एंड b का वैल्यू भी 1 बाय 2a, तो ये क्या बन के आ गया, देखो ए का वैल्यू हम लोग इनपुट करते हैं 1 बाय 2a a माइनस एक्स प्लस बी का वैल्यू 1 बाय 2a a प्लस एक्स ओके। तो इसको तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे अभी, तो 1 बाय 2a कॉमन बाहर चला आया, इंटीग्रेशन करना किसको है, dx बाय a माइनस एक्स प्लस dx बाय ए प्लस एक्स, ये दोनों को ओके। अब बोलो डीएक्स बाय ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, लॉन ए माइनस एक्स का मॉडुलस नीचे माइनस वन रहेगा, देखो यहां पे एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस वन, तो नीचे माइनस वन प्लस लॉन ए प्लस एक्स का मॉडुलस प्लस सी, तो ये क्या बन के आ गया, 1 बाय 2a लॉन a प्लस x का मॉडुलस माइनस लॉन a माइनस x का मॉडुलस। अब बोलो लॉन a माइनस लॉन b लॉन a बाय b बनता है ना, तो ये क्या बन के आ गया, 1 बाय 2a लॉन a प्लस x नीचे a माइनस x का मॉडुलस प्लस c। तो ये हम लोग का फॉर्मूला बन गया ओके। क्या बन के आ गया, 1 बाय 2a लॉन ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स का मॉडुलस प्लस।
इसको हम लोग को याद रखना है। देखो दोनों फॉर्मूला एक ही टाइप का है, यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, लॉन लॉन लगा हुआ है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स एक्स से अगर ए माइनस हुआ है तो एक्स का स्क्वायर से ए का स्क्वायर अगर माइनस हुआ है तो पहले ऊपर हुए माइनस नीचे में प्लस, एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। अगर ए का स्क्वायर से एक्स का स्क्वायर माइनस हुआ मीन्स कॉन्स्टेंट से एक्स जा रहा है तो ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स। ओके, एक्स से माइनस होने से ऊपर माइनस नीचे प्लस, ए से माइनस होने से ऊपर प्लस नीचे माइनस। ओके, समझ में आ रहा है। तो इसके बेसिस में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, फ्रैक्शन बनाएंगे, उसके बाद ए एंड बी का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, अब चलते हैं मेरा पहला क्वेश्चन। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, 3x बाय एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन। ओके, तो मैं लेता हूं लेट 3x बाय एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। इसको पहले फ्रैक्शन बनाएंगे, पहले हम लोग चेक करना है, देखो ऊपर का पावर और नीचे का पावर। देखो अब ऊपर का x का पावर कितना है 1, नीचे ये मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर कितना बनेगा 2, तो ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो हम लोग डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। ओके, तो इसको फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, दो लीनियर फैक्टर है तो a बाय एक्स माइनस 4 प्लस बी बाय एक्स प्लस 2। ओके, देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या भैया 3x बाय एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, तो यहां का एलसीएम क्या बन गया, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, ऊपर क्या बना a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4। ओके, अब नीचे नीचे दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 3x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4। अब मैंने क्या बोला था, इसको एक बार जीरो करेंगे, उसके बाद इसको एक बार जीरो करेंगे, इसको जीरो करने से b निकलेगा, इसको जीरो करने से a निकलेगा, तो ये कैसे जीरो बनेगा, देखो x का वैल्यू माइनस 2 इनपुट करूंगा तो ये जीरो बनेगा। तो पहले एक बार x का वैल्यू माइनस 2, जो भी वैल्यू हम लोगे टोटल में इनपुट करेंगे। ओके, तो 3 इंटू माइनस 2 क्या बन गया माइनस 6 इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, अब ये क्या बनेगा देखो माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6, तो माइनस 6 बी, मतलब बी का वैल्यू क्या बन गया 1। अब इसको कैसे जीरो कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू 4 इनपुट करने से, तो एक्स का वैल्यू हम लोग 4 इनपुट करते हैं, तो यहां पे 4 इनपुट करने से 4 माइनस 4 जीरो, ये जीरो बन गया, 3 इंटू 4 12, 4 प्लस 2 6, 6 है। अब बोलो ए का वैल्यू क्या बन गया 2, तो हम लोग का ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे इनपुट कर देंगे उसके बाद इंटीग्रेशन बना लेंगे। तो देखो ए का वैल्यू हम लोग का क्या है 2 है, तो 2 बाय एक्स माइनस 4 प्लस बी का वैल्यू क्या है हम लोग का 1, तो 1 बाय एक्स प्लस 2, इसी को तो हम लोग इंटीग्रेशन बनाएंगे इसी का। अब बोलो पहला पार्ट का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 2 लॉन एक्स माइनस 4 का मॉडुलस प्लस सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, लॉन एक्स प्लस 2 का मॉडुलस प्लस, ये हम लोग का आंसर बन गया। ओके, अब देखो मेरा सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या है ये वाला, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, देखो नीचे में x का पावर क्या है 2, ऊपर में x का पावर क्या है 4, तो ऊपर का पावर बड़ा है नीचे का पावर छोटा है, तो मैंने क्या बोला था, जब डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स देन फर्स्ट डिवाइड देन पार्शियल फ्रैक्शन, तो हम लोग पहले डिवाइड करेंगे। देखो कैसे डिवाइड करते हैं, जो कि हम लोग हाई स्कूल में कर रहे थे, 12x का पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किस पे, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब बताओ 6x स्क्वायर को 12x स्क्वायर बनाना है, तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर देने से हम लोग का क्या बन गया 12x का पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस, ओके प्लस क्या बन गया, सॉरी ये क्या बन गया माइनस 4x स्क्वायर। ओके, तो अब देखो ये चला गया, ये चला गया, यह चला गया, बचा क्या x माइनस 3, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, मैंने पहले से बोला था, देखो ऐसे करके
ओके, तो पहले 2x को लिखूंगा, उसके बाद प्लस x माइनस 3 बाय इतना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बाय 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ओके। तो ये बन गया हम लोग का इंटीग्रेशन। तो ये तो हम लोग को इंटीग्रेशन इसका पता है क्या है, देखो 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 मीन्स 2 बाई 3 एक्स क्यूब। अब इंटीग्रेशन करना किसको है, ये वाला x माइनस 3 बाय 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, तो ये 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का हम लोग फैक्टर बना सकते हैं क्या, देखो हाँ बना सकते हैं। 6x स्क्वायर माइनस x को मैं लिख सकता हूँ माइनस 4x प्लस 3x, हाँ लिख सकता हूँ। अब देखो ये अगर फैक्टर बन गया तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली कर देंगे, तो ये बन गया हम लोग का 2 बाई 3 एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 बाय, यहां से क्या कॉमन चला जाएगा 2x, तो बचेगा क्या 3x माइनस 2, अब यहां से 1 कॉमन आ गया तो 3x माइनस 2, ओके। तो ये क्या बन गया आ जाएगा 2 बाई 3 एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 नीचे 2x प्लस 1 3x माइनस 2, ओके। अब इसका तो इंटीग्रेशन हम लोग का खत्म हो चुका है, इसको ही बनाना है, इसको कैसे करेंगे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगा, देखो लेट x माइनस 3 बाय 2x प्लस 1 3x माइनस 2 इज इक्वल टू a बाय 2x प्लस 1 प्लस b बाय 3x माइनस 2। अब a और b का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर देंगे, आराम से बन जाएगा। देखो अब a और b का वैल्यू क्या बनेगा बताओ, x माइनस 3 इज इक्वल टू a इंटू 3x माइनस 2 प्लस b इंटू 2x प्लस 1। अब ये कैसे जीरो बनेगा, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो मतलब 3x इक्वल टू 2 मतलब x इक्वल टू 2 बाई 3, जब x का वैल्यू 2 बाई 3 इनपुट करूंगा तब जीरो बनेगा ये वाला टर्म। तो 2 बाई 3 इनपुट करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 बाई 3 तो 2 माइनस 9 तो माइनस 7 बाय 3 इज इक्वल टू, ये तो जीरो बन गया, ये 2 बाई 3 तो 4, 4 बाई 3 4 प्लस 3 तो 7, 7 बाय 3 इंटू बी मतलब b का वैल्यू माइनस 1। अब बताओ ये कैसे जीरो होगा, 2x प्लस 1 जीरो कैसे होगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो मतलब 2x इक्वल टू माइनस 1 तो x का मतलब x का वैल्यू माइनस 1 बाय 2। अब बताओ x का वैल्यू माइनस 1 बाय 2 इनपुट करने से माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 बाय 2 इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 1 तो माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 बाय 2 ए, तो ये क्या बन गया, ए का वैल्यू 1, ओके। तो बी का वैल्यू मेरा माइनस 1 निकल के आ गया, ए का वैल्यू मेरा 1 निकला। अब बताओ तो ये कहाँ पे इनपुट करूंगा, यहाँ पे तो ए का वैल्यू हम लोग का 1 है तो 1 बाय 2x प्लस 1। अब बताओ b का वैल्यू हम लोग का क्या है, माइनस 1 तो माइनस 1 बाय 3x माइनस 2 इसका इंटीग्रेशन, ओके। तो ये क्या बन गया, लॉन 2x प्लस 1 का मॉडुलस बाय नीचे 2x के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है, ओके, माइनस लॉन 3x माइनस 2 का मॉडुलस नीचे 3 प्लस c। अब बताओ फाइनल आंसर, इसका तो हम लोग का इंटीग्रेशन पता चल गया, और फाइनल में टोटल आंसर क्या है, ये भी तो ऐड होगा ना, क्योंकि टोटल आंसर में यही रहेगा। तो हम लोग का सॉल्यूशन क्या बन गया, 2 बाय 3 एक्स क्यूब प्लस 1 बाय 2 लॉन 2 एक्स प्लस 1 का मॉडुलस माइनस 1 बाय 3 लॉन 3 एक्स माइनस 2 का मॉडुलस प्लस सी। तो ये बन गया हम लोग का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, देखो 2x प्लस 9 x प्लस 3 का स्क्वायर, ओके।
तो इसका पार्शियल देखो, अब पहले डिग्री ऑफ पी एक्स एंड डिग्री ऑफ क्यू एक्स हम लोग चेक करेंगे। ऊपर में एक्स का पावर वन है, इसको अगर खोल दूंगा तो क्या बनेगा, एक्स का पावर टू। तो ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा, मीन्स डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम लोग कैसे पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, देखो 2x प्लस 9 x प्लस 3 का होल स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, लेट ओके। अब देखो ये स्क्वायर है, मतलब ये दो टर्म बनेगा, तो a बाय x प्लस 3 प्लस b बाय x प्लस 3 का स्क्वायर। ओके समझ में आ रहा है, सेकंड टाइप वाला ये ओके। तो बोलो मेरा एलसीएम क्या बनेगा, x प्लस 3 का स्क्वायर, तो a इंटू x प्लस 3 प्लस b नीचे x प्लस 3 का स्क्वायर, तो इसका भी तो नीचे x प्लस 3 का स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 9 इक्वल टू a इंटू x प्लस 3 प्लस b ओके। अब देखो इसको कैसे जीरो करेंगे हम लोग, x का वैल्यू माइनस 3, तो x का वैल्यू माइनस 3 इनपुट करने से ये माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, माइनस 6 प्लस 9 क्या बन जाएगा 3, ये तो जीरो बन गया, तो b का वैल्यू 3 निकल के आ गया। अब हम लोग a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे भी तो कुछ भी नहीं है ना, तो इसको हम लोग जीरो नहीं बना सकते, तो हम लोग कैसे करेंगे देखो। अब देखना कि हम लोग कैसे निकालते हैं इसको। अब देखो इसको मैं फिर एक बार लिखूंगा तो क्या लिख पाऊंगा, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, ax प्लस 3a प्लस b। अब बोलो ये दोनों सेम है ना, हाँ सेम है, तो यहां से x का कोफिशियंट जो है यहाँ पे भी x का कोफिशियंट सेम ही होगा, तभी तो ये दोनों सेम है। मतलब यहाँ x का कोफिशियंट क्या है, a है, यहाँ x का कोफिशियंट क्या है, 2 है, तो a का वैल्यू क्या बनेगा, 2 बनेगा। और भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, देखो यहाँ पे कांस्टेंट जो है यहाँ पे भी कांस्टेंट सेम ही होगा, तब तो दोनों सेम है, मीन्स 3a प्लस b 9 के साथ सेम है और a 2 के साथ सेम है। हम लोग तो a का वैल्यू ही निकालना है, तो कोफिशियंट ऑफ x के साथ कंपेयर कर देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे a का वैल्यू। तो मैं क्या किया, अब देखो कंपेयरिंग कोफिशियंट ऑफ x ओके x का कोफिशियंट को हम लोग कंपेयर किए, तो a का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 2। तो a हम लोग का बन गया 2, b बन गया हम लोग का 3। तो इसका तो अब वैल्यू इनपुट करता हूं, तो a का वैल्यू क्या है 2, तो 2 बाय x प्लस 3 प्लस 3 बाय x प्लस 3 का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। अब बताओ 2 बाय x प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 2 लॉन x प्लस 3 का मॉडुलस। अब बताओ 3 बाय x प्लस 3 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, देखो 1 बाय x स्क्वायर क्या बनता है, 1 बाय x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय x बनेगा कि नहीं, क्योंकि 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय x स्क्वायर, तो माइनस 1 बाय x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाय x, तो 1 बाय x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय x, तो ये स्क्वायर 1 बाय x स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो क्या बनेगा माइनस 1 बाय x का फॉर्मेट, तो 3 आगे चला गया, तो माइनस 3 बाय x प्लस 3 प्लस 3। अगर वो सोच नहीं पा रहे हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू x प्लस 3 का पावर माइनस 2। अब x प्लस b होल का पावर n का फॉर्मूला यूज कर देंगे तो बन जाएगा आराम से ओके। तो ये बन गया हम लोग का आंसर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 3 बाय x क्यूब माइनस 1 ओके। अब बताओ इसको मैं लिख सकता हूं x क्यूब माइनस 1 को a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूला के हिसाब से, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओके। तो ये क्या बन के आ गया, देखो एक लीनियर फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर, मतलब टाइप 3 वाला केस। तो इसको हम लोग कैसे फ्रैक्शन बनाएंगे, देखो 3 बाय एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेट। तो इसको क्या बनाऊंगा, a बाय एक्स माइनस 1 जो क्वाड्रेटिक होता है उसके ऊपर में दो कांस्टेंट ना, तो बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब बताओ दोनों को इक्वेट करेंगे, मतलब दोनों का तो एलसीएम सेम बनेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू क्या बनेगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1।
अब देखो इसको हमने जीरो कर सकेंगे, इसको जीरो करेंगे तो एक्स का कोई भी वैल्यू नहीं है जो कि जीरो ये बनेगा, मतलब इसको अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो हम लेके सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू इमेजिनरी नंबर निकलता है। ओके तो एक ही वैल्यू तो निकाल सकते हैं, तो एक ही वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, एक्स का वैल्यू वन इनपुट करने से ये वाला टर्म जीरो बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा देखो, थ्री इज इक्वल टू वन 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 थ्री ए, इसका मतलब ए इज इक्वल टू वन है। ओके अब देखो एक वैल्यू हम लोग कंपेयर करके निकाल लेते, ये सॉरी ये हम लोग का क्या है बी एक्स प्लस सी है, बी नहीं है, बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन। ओके तो एक वैल्यू का हम लोग को निकल गया है, ए का वैल्यू, अब बी एंड सी दोनों का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कंपेयरिंग करके निकालेंगे। देखो अब कंपेयरिंग करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म कंपेयर करने से क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म राइट हैंड साइड क्या क्या बनेगा, ए जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तब एक्स स्क्वायर बनेगा, बी एक्स जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तब एक्स स्क्वायर बनेगा, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म कौन कौन सा है, ए और एक बी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म कौन कौन सा है अब बताओ, यहाँ पे तो ओनली कॉन्स्टेंट टर्म है ना, इसका मतलब क्या है, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर है प्लस जीरो इंटू एक्स है, मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट भी जीरो है, एक्स का कोफिशियंट भी जीरो है, ओनली कॉन्स्टेंट टर्म है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए प्लस बी बन गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जीरो है, तो ए प्लस बी जीरो जीरो लेने से हम लोग का बी का वैल्यू निकल जाएगा। देखो कंपेयरिंग कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके तो यहाँ पे ए वाला यहाँ पे बी वाला, तो ए प्लस बी जीरो, तो ए का वैल्यू कितना है वन, तो बी का वैल्यू क्या बन गया माइनस वन। ओके ए का वैल्यू हम लोग का वन। अब देखो सी का वैल्यू निकालना है, तो सी भी हम लोग कंपेयर करके निकाल सकते हैं, अब कॉन्स्टेंट टर्म हम लोग कंपेयर कर देते हैं, बहुत इजी रहेगा, ए जब वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी एक कॉन्स्टेंट निकलेगा, और सी जब माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी एक कॉन्स्टेंट निकलेगा, तो ए माइनस सी इज इक्वल टू थ्री, यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या है थ्री, तो कंपेयरिंग कॉन्स्टेंट और यहाँ पे ए माइनस सी इज इक्वल टू थ्री, ए का वैल्यू क्या है हम लोग का वन, तो वन यहाँ पे चला गया उधर, तो माइनस वन थ्री, तो माइनस सी इज इक्वल टू टू, तो सी इज इक्वल टू माइनस टू, तो एबीसी तीनों का वैल्यू निकल गया। हम लोग अब इनपुट करेंगे उसके बाद इंटीग्रेशन बनाएंगे। देखो अब बोलो ए का वैल्यू वन, तो ये बन गया वन बाय एक्स माइनस वन, बी का वैल्यू माइनस वन, तो ये बन गया माइनस वन इंटू एक्स, सी का वैल्यू माइनस टू, तो माइनस टू बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इनका इंटीग्रेशन। ओके तो सेपरेट सेपरेट हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, वन बाय एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, यहाँ पे दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन लेके चला आता हूं, यहाँ पे एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स। अब बोलो इसका इंटीग्रेशन हम लोग को पता है क्या है, हम लोग का इसका इंटीग्रेशन लॉन एक्स माइनस वन का मॉडुलस माइनस, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो नीचे में एक्स स्क्वायर ऊपर में एक्स, तो हम लोग क्या करते हैं टी डी टी, तो नीचे वाला को मैंने t लेके चला। ओके t किसको लेके चल रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, डी टी क्या बन जाएगा टू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, तो डी टी मुझे चाहिए टू एक्स वाला फॉर्मेट में, हम लोग के पास है क्या x, तो हम लोग क्या करेंगे देखो, एक टू नीचे डिवाइड और एक टू मल्टीप्लाई। ओके अब बताओ ये तो लॉन एक्स माइनस वन रह गया वन बाय टू, ये टू एक्स प्लस फोर हमको चाहिए क्या, टू एक्स प्लस वन ना हम लोग के पास अभी है क्या टू एक्स प्लस फोर, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, टू एक्स प्लस वन प्लस थ्री, ओके दो पार्ट अब बन गया, देखो लॉन एक्स माइनस वन का मॉडुलस माइनस वन बाई टू, ये बन गया हम लोग का डी टी पहला पार्ट, डी टी बाय टी सेकेंड पार्ट, तो थ्री बाय टू सॉरी माइनस है तो ये माइनस होगा डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ओके तो ये हम लोग का लॉन
एक्स माइनस वन का मॉडुलस माइनस वन बाई टू लॉन मोर्टी माइनस थ्री बाई टू। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे देखो, स्प्लिट करते हैं मीन्स स्क्वायर का फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं। देखो लिख सकते हैं हम लोग एक्स का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स बनेगा वन बाई टू ना, तो वन बाई टू मतलब वन बाई टू का स्क्वायर। अब वन हम लोग के पास है तो वन बाई टू का स्क्वायर एड किया हूं मतलब वन बाई टू का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, तो ये बन गया लॉन एक्स माइनस वन का मॉडुलस माइनस वन बाय टू लॉन मोर्टी माइनस थ्री बाय टू डी एक्स बार। ये क्या बन गया हम लोग का एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर। अब वन माइनस वन बाय फोर मीन्स फोर माइनस वन थ्री बाय फोर, तो थ्री बाय फोर प्लस वाला ओके। अब इसका इंटीग्रेशन कैसा बनेगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर फॉर्मूला क्या कहता है, वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा वन बाय ए, ए हम लोग का क्या है रूट थ्री बाय टू, तो वन बाय ए क्या बनेगा टू बाय रूट थ्री टेन इनवर्स एक्स बाय, तो एक्स के साथ पास हम लोग का क्या है एक्स प्लस वन बाय टू बाय ए हम लोग का क्या है रूट थ्री बाय टू ओके प्लस सी, तो इसके जगह हम लोग ये इनपुट कर देंगे, ये आगे ये रह जाएगा ओके। वेयर टी टी जोन लिया है हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो फाइनल आंसर बन गया देखो समझ में आया ओके। तो अब बताओ मुझे, अगर हम लोग तीन टाइप फ्रैक्शन कर रहे थे, एक लीनियर फैक्टर और एक लीनियर फैक्टर और स्क्वायर फॉर्मेट में होगा और एक लीनियर इन क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग का इंटीग्रेशन सबसे आसान कहाँ पे हो रहा है, पहला वाला फैक्टर फॉर्मेट में अगर करेंगे मीन्स लीनियर फैक्टर होगा तब हम लोग का इंटीग्रेशन बहुत आसान है। उसके बाद स्क्वायर वाला भी थोड़ा बहुत आसान है क्योंकि वन बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है माइनस वन बाय एक्स बनता है, तो वो भी इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत ईजी बन रहा है। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक में आ गया तो इसका इंटीग्रेशन थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि नीचे में एक्स स्क्वायर रहेगा ऊपर में एक्स वाला रहेगा, तो हम लोग टी डी टी बनाएंगे ही बनाएंगे, तो थोड़ा बहुत आगे चला जाएगा ओके। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, x का पावर 5 प्लस x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 प्लस x का पावर 2 प्लस 4x प्लस 1, नीचे क्या बन गया x क्यूब प्लस ओके। तो इसको यहाँ पे क्या है x का पावर 3, ऊपर में क्या है x का पावर 5, तो ऊपर बड़ा नीचे छोटा मतलब पहले डिवाइड उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन, तो डिवाइड करते हैं पहले, तो डिवाइड करने से क्या बनेगा देखो x का पावर 5 प्लस x का पावर 4 3 2 4x प्लस 1 x क्यूब प्लस 1 डिवाइड करेंगे, ये क्या लेके जाएंगे हम लोग x स्क्वायर, तो ये बन गया x का पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, तो ये चला गया और एक ये चला गया ओके। तो बचा क्या एक्स का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 1, अब क्या चलेगा x, तो ये क्या बन गया x का पावर 4 प्लस x ओके, तो ये चला गया ये माइनस x, तो बचा क्या एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस वन, तो ये क्या आ गया वन, तो एक्स क्यूब प्लस वन माइनस माइनस ये चला गया ये चला गया, तो बचा क्या थ्री एक्स ओके। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस थ्री एक्स बाय एक्स क्यूब प्लस वन ओके। मीन्स इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ये पार्ट को तो हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, वन का इंटीग्रेशन एक्स, इंटीग्रेशन किसका करना है अभी इसका थ्री एक्स एक्स क्यूब प्लस वन का ओके। अब इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे इसको छोड़ दो अभी ओके, इसको मैं इंटीग्रेशन करूंगा उसके बाद आंसर में जोड़ दूंगा, तो 3x by x cube plus 1 को हम लोग, अब बताओ x cube plus 1, x cube plus 1 को a cube plus b cube के फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, x plus 1
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ओके तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए बाय एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो ये बन गया क्या, थ्री एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन। अब बोलो x के जगह माइनस वन इनपुट करने से ये वाला जीरो, तो a का वैल्यू निकलेगा देखो x इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये क्या बन गया माइनस थ्री इज इक्वल टू ये माइनस वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन टू, टू माइनस वन मीन्स थ्री, तो थ्री ए, तो a का वैल्यू निकल के आ गया माइनस वन। अब बोलो हम लोग b और c का वैल्यू कैसे निकालेंगे कंपेयरिंग, तो स्क्वायर टर्म पहले कंपेयर करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर टर्म क्या है a, यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म बी एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस बी क्या बनेगा, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है क्या नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट क्या है जीरो, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स क्या बन के आ गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो ए का वैल्यू क्या है माइनस वन, तो बी का वैल्यू क्या बन जाएगा वन। ओके बी का वैल्यू वन निकल के आ गया, ए का वैल्यू माइनस वन निकल के आ गया। अब सी का वैल्यू निकालना है, तो सी का वैल्यू कंपेयर कैसे करेंगे, देखो कौन सा टर्म कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर लेते हैं, तो ए वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तब एक कांस्टेंट बनेगा, सी वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तब एक कांस्टेंट बनेगा, तो कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म, बोलो ए प्लस सी क्या बन जाएगा जीरो, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है क्या नहीं है, तो जीरो, ए का वैल्यू क्या हम लोग का माइनस वन, तो सी का वैल्यू भी क्या बन गया वन। अब ए का वैल्यू माइनस वन है, बी का वैल्यू वन है, सी का वैल्यू वन है, तो यहाँ पे इनपुट करने से क्या बनता है, देखो ए का वैल्यू माइनस वन, तो माइनस वन बाय एक्स प्लस वन, अब बी का वैल्यू वन, सी का वैल्यू वन, तो ये क्या बन गया एक्स प्लस वन नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसको हम लोग इंटीग्रेशन करना है। ओके तो इसको सेपरेट सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर, इसको कैसे इंटीग्रेशन करूंगा, लॉन्ग वाला डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको कैसे इंटीग्रेशन करूंगा, नीचे वाला नीचे एक्स स्क्वायर है ऊपर वाला में एक्स है, तो नीचे टी लेने से ऊपर का डी टी, तो आप लोग इसको अच्छे से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो इसको मैं छोड़ रहा हूं, आप कंप्लीट कर देना। ओके अब चलते हैं मेरा सेकेंड वाला क्वेश्चन, सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, dx by 2x square plus 8x plus 7। तो इसको मैं लिख सकता हूं dx by 2 कॉमन लेके आ रहा हूं, तो क्या बन रहा है x square plus 4x plus 7 by 2, 1 by 2 बाहर। अब ये क्या बनेगा, इसको देखो स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकता हूं मैं, तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू क्या दूंगा 2 दूंगा तभी तो 4x बनेगा, तो 2 मतलब 2 का स्क्वायर एक ऐड किया, 7 बाई 2 मेरे पास है, 2 का स्क्वायर एक सब्ट्रैक्ट। ओके तो 1 बाय 2 बाहर dx बाय, ये क्या बन गया x प्लस 2 का स्क्वायर, बताओ 7 बाय 2 माइनस 4 मतलब 4 इंटू 8 तो माइनस 1 बाय 2। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, dx बाय x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, आज ही का क्लास में मैंने लिखा था dx बाय x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या बनता है 1 बाय 2 a ln x माइनस a बाय x प्लस a का मॉडुलस प्लस c। तो इसका आंसर क्या बनेगा, देखो 1 बाय 2 तो पहले से बाहर है, तो 1 बाय 2 a, ये हम लोग का क्या है ए स्क्वायर हम लोग का 1 बाय 2 है ना, तो ए हम लोग का 1 बाय रूट 2 लॉन एक्स के जगह एक्स प्लस 2 तो एक्स प्लस 2, एक्स माइनस है तो एक्स प्लस 2 माइनस 1 बाय रूट 2 नीचे एक्स प्लस 2 प्लस 1 बाय रूट 2 का मॉडुलस प्लस सी। अब बताओ ये क्या बन गया रूट टू, रूट टू कैंसिल, तो बचा क्या 1 बाय रूट टू, 1 बाय रूट टू इंटू 1 बाय टू क्या बन गया 1 बाय टू रूट टू।
एक्स प्लस टू माइनस वन बाय रूट टू, एक्स प्लस टू प्लस वन बाय रूट टू का मॉडुलस प्लस सी, ये हम लोग का आंसर बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सेवन, इसका इंटीग्रेशन। अब देखो पावर सेम है तो हम लोग डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करूंगा और कॉमन लूंगा, एक ही बात है ना। तो देखो मैं अगर कॉमन लेके चला आया टू और उसमें लिख दिया टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सेवन, ओके तो क्या है देखो टू इंटू टू फोर एक्स स्क्वायर तो है, टू इंटू एट एक्स क्या बनेगा सिक्सटीन एक्स, हम लोग के पास था क्या ट्वेंटी एक्स, तो ये हम लोग का क्या है सिक्सटीन एक्स, तो हम लोग और एक फोर एक्स जोड़ दिए, अब बन गया ट्वेंटी एक्स। अब सेवन इंटू टू फोर्टीन, हम लोग के पास है क्या ट्वेंटी फाइव, तो हम लोग क्या करेंगे इलेवन जोड़ देंगे, ओके अब हम लोग सेपरेट कर लेते हैं तो क्या बनेगा एक टू का इंटीग्रेशन, ये कैंसिल बन जाएगा ना, इसीलिए तो मैंने डायरेक्ट अरेंज कर दिया ये वाला, ओके और एक पार्ट क्या बनेगा फोर एक्स प्लस इलेवन नीचे टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सेवन। अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो बन गया, ओके अब इसका इंटीग्रेशन कैसे बनाएंगे हम लोग, पहले से ही हम लोग ये वाला ऐसे टाइप क्वेश्चन हम लोग करते थे, बोलो इसका इंटीग्रेशन कैसे बनेंगे, नीचे में एक्स स्क्वायर ऊपर में एक्स, तो नीचे वाला को टी, तो अगर नीचे को टी लेके चला गया तो डी टी क्या बन जाएगा फोर एक्स प्लस एट इंटू डी एक्स, ओके तो मेरे पास है कितना फोर एक्स प्लस इलेवन, तो ये वाला टर्म को मैं लिख सकता हूं फोर एक्स प्लस एट प्लस थ्री नीचे में टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सेवन। अब हम लोग क्या करेंगे सेपरेट, तो एक टर्म बन जाएगा डी टी बाई टी और एक टर्म क्या बनेगा थ्री बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सेवन का इंटीग्रेशन। अब डी टी बाई टी का भी इंटीग्रेशन हम लोग को पता चल गया, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बोलो, ये वाला टर्म देखो इसको जैसे किए वही तो है सेम ही है ना, इसमें ऊपर में वन है यहाँ पे थ्री है, तो हम लोग बना सकते हैं आराम से, ओके अब देखो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो अब देखो इसको अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा दो पार्ट क्या हम लोग का क्वाड्रेटिक है, तो दोनों में दो दो कॉन्स्टेंट लेगा, मीन्स पहला एक पार्ट बनेगा ए एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सी एक्स प्लस डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो ए बी सी डी चार तो कॉन्स्टेंट को निकालना पड़ेगा, तो हम लोग एक टेक्निक यूज करते हैं इसमें इसको छोटा करने के लिए। तो बोलो देखो मैं टी लेके चलता हूँ एक्स स्क्वायर को, अगर एक्स स्क्वायर को मैं टी के लेके चला तो डी टी क्या बनेगा टू एक्स, तो टू एक्स भी तो ऊपर में नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे डी टी निकालेंगे ही नहीं, ओके टी में सॉल्व करेंगे उसके बाद टी का वैल्यू एक्स स्क्वायर फिर रिटर्न कर देंगे उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो डी टी हम लोग निकाल नहीं रहे। देखो तो क्वेश्चन क्या कन्वर्ट होके चला आया, देखो ये क्या है टी बाय टी प्लस थ्री टी प्लस टू। अब यहाँ पे डी टी लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता क्योंकि मैंने तो डी टी निकाला ही नहीं, तो मैं पहले पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मैंने इसे कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद टी के जगह एक्स स्क्वायर वैल्यू इनपुट कर दूंगा, तो इसको मैं कैसे फ्रैक्शन कर सकता हूं a बाय टी प्लस थ्री प्लस बी बाय टी प्लस टू, तो ये क्या बन गया आ टी इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस टू प्लस बी इंटू टी प्लस थ्री। अब बोलो यहां पे t का वैल्यू माइनस टू लूंगा तो पहला वाला टर्म जीरो ना, तो माइनस टू इज इक्वल टू क्या बन गया माइनस टू प्लस थ्री मीन्स वन, तो b b का वैल्यू माइनस टू, अब t का वैल्यू क्या लूंगा इसके लिए माइनस थ्री, तो माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस टू तो माइनस ए, मतलब a का वैल्यू क्या बन गया थ्री, ओके तो यहां पे इनपुट कर लेते हैं हम, तो अब a का वैल्यू हम लोग थ्री, तो थ्री बाय टी प्लस थ्री माइनस टू बाय टी प्लस टू,
अब यहाँ पे dt लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि dt तो हम लोग निकाले ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, t के जगह फिर x square डाल देंगे, उसके बाद हम लोग dx लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या करूंगा, 3y x square plus 3 minus 2y x square plus 2, अब यहाँ पे dx। अब हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर वाला परमाना, तो 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय, तो 3 बाहर चला आया। अब 1 बाय ए हम लोग का क्या है, रूट 3, तो 1 बाय रूट 3 टेन इनवर्स एक्स बाय रूट 3 माइनस, अब यहां से 2 चला आया। अब यहां पे ए क्या है, रूट 2, तो 1 बाय रूट 2 टेन इनवर्स एक्स बाय प्लस सी। तो फाइनल आंसर क्या बन गया, आ रहा है रूट थ्री कैंसिल, तो रूट थ्री टेन इनवर्स एक्स बाय रूट थ्री माइनस रूट टू टेन इनवर्स एक्स बाय रूट टू प्लस सी खत्म। ओके, तो हम लोग को अगर डीटी नहीं निकाले तो पहले क्या करेंगे, उसके जगह जो भी लिए थे उसको रिप्लेस करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मींस उसके बाद हम लोग dx लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर dt लिख दिया मतलब गलत हो गया। ओके, अब देखो मेरा क्वेश्चन पहला वाला क्या है, x क्यूब बाय x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। ओके, अब देखो मैं इसको लिख सकता हूं x स्क्वायर इंटू x, ऊपर वाला x क्यूब है ना। अब ये नीचे वाला को x square का square, x4 को मैंने क्या लिखा, x square का square 3x square plus 2। तो बताओ मैं t is equal to x square ले सकता हूं, तो dt क्या बन जाएगा, 2x dx, तो 1 by dt by 2 क्या बनेगा, x dx। तो ये x dx के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, dt by 2, तो ये क्या बन गया, t into dt by 2। ओके, तो ये क्या बन के आ गया, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। अब बताओ 1 बाय 2 बाहर, तो बचा क्या, t बाय टी डी टी बाय टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, नीचे t स्क्वायर है ऊपर t है, तो नीचे को z लूंगा तो ऊपर वाला dz बनेगा, तो z किसको लेके चलूंगा, देखो z इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, तो dz क्या बनेगा, 2t प्लस 3 dt। तो उसको मैं क्या करना है, 2t प्लस 3 करना है, तो अभी 2 है तो 2 मल्टीप्लाई ऊपर, तो नीचे में भी डिवाइड, तो 1 बाय 4 बन गया, ये 2t आ गया। अब क्या करना है मुझे, प्लस 3 प्लस 3 माइनस 3 हम लोग कर लेते हैं, प्लस 3 माइनस 3, तो ये बन गया t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 dt। अब दोनों को सेपरेट, तो क्या बन के आ रहा है, देखो 1 बाय 4 इंटीग्रेशन, ये दोनों क्या बना, dt बाय सॉरी dz बाय z। ओके, अब माइनस 3 बाहर में 4 है, तो 3 बाय 4 dt बाय t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन, 1 बाय 4 लॉन मोड z माइनस 3 बाय 4 dt बाय, इसको कैसे करूंगा, a प्लस b का उसका फॉर्मेट में इनपुट करूंगा, देखो तो t का स्क्वायर प्लस 2 इंटू t इंटू, अब क्या इनपुट करूंगा, तो 3t बनेगा, 3 बाय 2 ना, तो 3 बाय 2 मतलब मेरा b 3 बाय 2 है, तो 3 बाय 2 का x स्क्वायर एडिशन, हम लोग के पास 2 है, अब एक 3 बाय 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्शन, तो ये क्या बन गया, 1 बाय 4 लॉन मोड z माइनस 3 बाय 4 dt बाय, इसको हम लोग t प्लस 3 बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बचा क्या, देखो 2 माइनस 9 बाय 4, 9 बाय 4 मतलब 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 9 तो माइनस 1 बाय 4। ओके,
अब इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, x square minus a square क्या बनता है, 1 by 2 a ln x minus a by x plus a का modulus plus c, तो ये बन गया 1 by 4 ln mod z minus 3 by 4, क्या बनता है 1 by 2 a, यहाँ पे a क्या है हम लोग का 1 by 2, तो 1 by 2 a क्या बनेगा 2 into 1 by 2, तो ln x minus a, x का जगह क्या है हम लोग का t plus 3 by 2, तो t plus 3 by 2 माइनस वन बाई टू, नीचे टी प्लस थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू का मॉडुलस प्लस। अब बोलो जेड क्या है हम लोग का, वेयर जेड टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस टू, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा 1/4 लॉन टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस टू का मॉडुलस माइनस 3/4, ये टू टू तो कैंसिल हो गया, तो लॉन, अब 3 by 2 से 1 by 2 जाने से 2 by 2 मतलब t plus 1, नीचे 3 by 2 plus 1 by 2 means 2, तो t plus 2 का modulus plus c। अब बताओ t क्या है, t का value x square, तो final answer क्या बन गया 1 by 4 long x का power 4 plus x square, sorry 3x square plus 2 का modulus minus 3 by 4 लॉन x square plus 1, नीचे x square plus 2 का मॉडुलस plus c। ओके, बन गया आपका आंसर। अब चलता हूं मेरा सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, dx by sin x into 3 plus 2 cos x। अब बताओ 3 प्लस 2 cos x एक sin x है, तो पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, देखो अगर cos x को t ले लिया तो क्या बनेगा dt माइनस sin x dx, तो क्या करता हूं मैं sin x नीचे नीचे में भी और ऊपर में भी मल्टीप्लाई करूं, तब प्रॉब्लम क्या नहीं आएगा, देखो ये sin square x बन जाएगा, तो sin square x को 1 minus cos square लिख दूंगा, तब cos को t लेने से ऊपर वाला dt भी बन जाएगा, इजीली हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, तो ऊपर में sin x मल्टीप्लाई, नीचे क्या बन गया साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या बन गया 3 प्लस 2 कॉस एक्स। ओके, अब टी किसको लेना है मुझे, कॉस एक्स को, तो माइनस डीटी बन के आएगा साइन एक्स डीएक्स, तो ये बन गया माइनस डीटी, नीचे बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर into 3 plus 2 t। ओके, अब देखो इसको फ्रैक्शन बना सकते हैं और छोटा कर लेते हैं, मींस माइनस dt 1 माइनस t स्क्वायर को 1 माइनस t, 1 प्लस t, 3 प्लस 2 t, ये पहला वाला फॉर्मेट में अगर फ्रैक्शन बनाऊंगा तो इंटीग्रेशन थोड़ा ज्यादा इजी रहता है। ओके, क्योंकि क्वाड्रेटिक में इंटीग्रेशन लंबा चलता है। ओके, तो इसको कैसे फ्रैक्शन करूंगा मैं, a by 1 minus t plus b by 1 plus t plus c by 3 plus 2 t। अब बताओ minus 1 का वैल्यू क्या बनेगा, कंपेयर कर देंगे तो minus 1 की क्या बन जाएगा a into 1 plus t 3 plus 2 t plus b into 1 minus t 3 plus 2 t plus c into 1 माइनस टी 1 प्लस टी। ओके, तब इस यहां पे क्या इनपुट करने से ये जीरो बनेगा, t का वैल्यू माइनस 1, तो t का वैल्यू माइनस 1 इनपुट करते हैं, तो माइनस 1 का वैल्यू माइनस 1 इज इक्वल टू, ये जीरो बन गया, अब ये भी जीरो बन गया, तो ये क्या बनेगा माइनस 1 मतलब 2 बन गया, ये माइनस 1 मतलब 1 बन गया, तो 2b मतलब b का वैल्यू माइनस 1 बाय 2। अब बोलो t का वैल्यू 1 देने से क्या क्या जीरो बनेगा, ये जीरो बनेगा, ये जीरो बनेगा, तो वन देने से क्या बन गया 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 2 5, तो 5a। ओके, तो a का वैल्यू क्या बन गया माइनस 1 बाय 5। अब t का वैल्यू 3 प्लस 2 t, 2 t इज इक्वल टू माइनस 3, t इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2, तो माइनस 3 बाय 2 इनपुट करने से देखो ये जीरो, ये जीरो, ये आएगा, देखो तो t is equal to minus 3 by 2 देने से minus 1 is equal to ये minus 3 by 2 means plus 3 by 2, तो 2 plus 3 5 by 2, ये minus 3 by 2, 2 minus 3 minus 1 by 2,
5 by 2 into minus 1 by 2 minus 5 by 2 c, मतलब c का वैल्यू क्या बन गया 2 by 5. अब a b c निकल के आ गया हम लोग का, हम लोग यहाँ पे इनपुट करेंगे डायरेक्ट, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा देखो, माइनस वन बाय फाइव नीचे वन माइनस टी, बी का वैल्यू क्या है माइनस वन बाय टू नीचे वन प्लस टी, सी का वैल्यू क्या है टू बाय फाइव नीचे थ्री प्लस टू टी। अब उसका इंटीग्रेशन तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, वन बाय फाइव लॉन्ग वन माइनस टी का मॉडुलस, माइनस वन बाय टू लॉन वन प्लस टी का मॉडुलस, ये क्या बन गया टू बाय टेन लॉन थ्री प्लस टू टी का मॉडुलस प्लस सी। अब देखो यहाँ पे माइनस था तो माइनस कहाँ चला गया, अरे माइनस कहाँ नहीं चला गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस वन नीचे आएगा ना, तो माइनस वन मल्टीप्लाई होकर प्लस बन गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टू नीचे आएगा ना, तो वो टू बाय फाइव से मल्टीप्लाई होकर टू बाय टेन बन गया। ओके तो ये हम लोग का आंसर है। अब हम लोग को एक चीज और करना है, क्या करना है हम लोग को, टी की जगह टी का वैल्यू इनपुट कर देना है। ओके तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो टू एक्स फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन नीचे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ओके अब बताओ डिग्री ऑफ पी एक्स एंड डिग्री ऑफ क्यू एक्स, अभी यहाँ पे हाइस्ट क्या है फोर, तो नीचे में क्या बनेगा एक्स स्क्वायर का पावर स्क्वायर है तो एक्स का पावर फोर बनेगा, फिर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नीचे में एक्स का पावर फाइव बनेगा, तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा मीन्स डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे हम लोग देखो इसको, ए बाय एक्स प्लस, अब क्वाड्रेटिक है और स्क्वायर भी है तो क्वाड्रेटिक का रूल भी हम लोग लगाएंगे उसके बाद स्क्वायर का रूल भी, तो बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, नेक्स्ट सी एक्स प्लस डी बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, सॉरी ये डी एक्स प्लस ई करते हैं हम लोग क्योंकि सी तो हम लोग यूज कर चुके हैं। तो हमको अब क्या क्या वैल्यू निकालना रहेगा, ए बी सी डी ई। ओके तो इसका एलसीएम पे तो यह बन जाएगा, मतलब ये क्या बन के आ गया टू एक्स का पावर टू एक्स फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स। ओके अब हम लोग ए बी सी डी ई का वैल्यू निकालते हैं, देखो कहां से वैल्यू निकाल पाएंगे, यहां पे अगर एक्स का वैल्यू जीरो देंगे तब एक वैल्यू निकलेगा ही निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा, एक्स का वैल्यू जीरो देने से ये सब जीरो बन गया, ये वन तो वन इज इक्वल टू ये क्या बनेगा जीरो प्लस वन मतलब वन, तो ये ए, अब ये एक्स है तो ये जीरो बन जाएगा, अब यहां पे भी एक्स है तो जीरो बन जाएगा, मतलब वन का वैल्यू ए निकल के आ गया। ओके अब हम लोग कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर कैसे करेंगे देखो, यहां पे हाईएस्ट पावर कितना होगा पावर फोर, तो ए से पावर फोर एक जुड़ेगा, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना होगा ये थ्री बन गया ये एक, तो पावर फोर तो बी वाला टर्म रहेगा बी इंटू एक्स का पावर फोर, अब यहाँ पे पावर फोर का नहीं आएगा, तो कंपेयरिंग कोफिशियंट ऑफ एक्स का पावर फोर तो क्या बन के आएगा ए प्लस बी, यहाँ पे एक्स का पावर फोर क्या है कोफिशियंट टू, अब बोलो ए का वैल्यू वन है तो बी का वैल्यू बी वन बन गया देखो। ओके नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे देखो, किसका पावर कंपेयर करते हैं पावर थ्री वाला, पावर थ्री वाला निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, पावर थ्री आएगा ही नहीं। ओके तो पावर टू में कंपेयर करते हैं, एक्स का पावर टू में, एक्स का पावर टू कौन कौन सा बनेगा, अगर कॉन्स्टेंट में कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा बहुत इजी रहेगा, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट सी वाला रहेगा, नहीं यहाँ पे कॉन्स्टेंट ही नहीं रहेगा, यहाँ पे कॉन्स्टेंट कुछ नहीं रहेगा। ओके तो यहाँ पे एक ही कॉन्स्टेंट रहेगा, उसका तो वैल्यू हम लोग को पता है तो हम लोग को यूज नहीं कर सकते, अब क्या करेंगे एक्स का पावर और एक्स स्क्वायर का पावर हम लोग कंपेयर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का पावर मतलब
एक्स स्क्वायर का टर्म इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूं, आपको कंपेयर करने में अच्छा रहेगा। ये क्या बनेगा, एक्स का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स। अब एक्स स्क्वायर का पावर कंपेयर करते हैं, तो देखो 2ax स्क्वायर एक रहेगा, अब bx स्क्वायर एक रहेगा और dx स्क्वायर रहेगा, मतलब कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहां क्या बन गया 2a, यहां क्या आएगा b, यहां पे d, तो 2a प्लस b प्लस d क्या है हम लोग का, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, तो 2a। अब बताओ a एंड b का वैल्यू पता है, दोनों का वैल्यू 1 है, तो ये 2 ये प्लस 1 3, तो d का वैल्यू माइनस 1 बन के आएगा। ओके अब चलते हैं हम लोग कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x वाला टर्म। ओके तो x वाला टर्म क्या क्या रहेगा, देखो यहां पे नहीं रहेगा, यहां पे एक रुकेगा c, जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तब एक x वाला टर्म रुकेगा, और एक e जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो c प्लस e, हम लोग को c का वैल्यू और e का वैल्यू दोनों का वैल्यू पता नहीं है ना, तो और कोई एक टर्म होगा जो कि x वाला टर्म बना के देगा हम लोग को, ये तो x का पावर 4 हो गया, नहीं x क्यूब का एक कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब भी बन सकता है, कहां बनेगा देखो, c जब x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब बनेगा, तो हम लोग पहले x क्यूब का कोफिशिएंट बनाते हैं, तो क्या बनेगा देखो, c जब x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो c इज इक्वल टू, यहां पे x क्यूब का कोफिशिएंट 0 है, तो c का वैल्यू क्या बन गया 0। अब चलते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x ओके तो x वाला टर्म क्या क्या देगा हमको, cx और एक ex, तो c प्लस e का वैल्यू क्या बनेगा, x का कोफिशिएंट यहां पे क्या है हम लोग का 1, तो c तो हम लोग का 0 है, तो e वैल्यू भी क्या बन गया 1। ओके c पता चल गया, E पता चल गया, D पता चल गया, A पता चल गया, B पता चल गया, अब तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग बना सकते हैं। तो A का वैल्यू क्या हम लोग को 1, तो ये बन गया 1 बाय x, B का वैल्यू हम लोग का क्या है 1, C का वैल्यू 0, तो ये बन गया x बाय x स्क्वायर प्लस 1। अब बोलो D का वैल्यू क्या है हम लोग को माइनस 1, E का वैल्यू क्या है हम लोग को 1, तो क्या है बन गया ये माइनस एक्स प्लस वन, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको हम लोग इंटीग्रेशन इसका निकालना, ये तो बहुत आसान है डायरेक्ट फॉर्मूला, इसको कैसे करेंगे, नीचे वाला को टी तो ऊपर वाला डी टी, इसको फिर कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी ले लेते हैं तो ऊपर वाला डी टी बनेगा, तो आराम से ये तीनों बन जाएगा, उसको आप लोग कंप्लीट कर देना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, वन बाय साइन एक्स माइनस साइन टू एक्स। ओके अब बताओ साइन टू एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ना। ओके अब दोनों में नीचे से साइन एक्स कॉमन लेके आ सकता हूं, तो क्या बन गया वन माइनस टू कॉस एक्स। तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों लगभग सेम ही है, एक ही पैटर्न में हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे कर रहे थे, साइन एक्स साइन एक्स, नीचे नीचे में भी ऊपर में भी मल्टीप्लाई, तो ऊपर साइन एक्स नीचे साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को वन माइनस कॉस स्क्वायर, अब कॉस को टी लेने से पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे, उसके बाद आराम से बन जाएगा। ओके तो अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, वन माइनस एक्स साइन एक्स बाय एक्स इंटू वन माइनस एक्स क्यूब ई का पावर थ्री कॉस एक्स, तो मैं टी को लेता हूं x इंटू ई का पावर कॉस एक्स। अब बताओ dt क्या बनेगा, u इंटू वी, तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या बनता है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो ये क्या बन गया x इंटू ई का पावर कॉस एक्स का डेरिवेटिव, e का पावर कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस अब e का पावर कॉस एक्स इंटू वन, तो dt क्या बन के आ गया, देखो e का पावर कॉस एक्स कॉमन लेने से ये बन गया वन माइनस
x sin x into dx. तो क्वेश्चन है क्या, देखो हम लोग के पास 1 माइनस x sin x, अब नीचे क्या है x into 1 माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x e का पावर cos x का होल क्यूब. ओके अब बताओ मुझे हम लोग का dt निकल के क्या आया, e का पावर cos x into इतना. ओके तो अगर e का पावर cos x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये dt बन जाएगा, नीचे में भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये क्या बन के आ गया, ऊपर वाला dt, ओके नीचे में t इंटू वन माइनस टी क्यू. अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, dt बाय वन माइनस टी क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, मतलब a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब देखो तीन टू फैक्टर बन गया, मतलब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे बताओ आप, a बाय टी प्लस b बाय वन माइनस टी प्लस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना तो इसमें दो कांस्टेंट लगेगा, तो सी एक्स प्लस डी बाय वन प्लस टी प्लस टी स्क्वायर. तो इसको हम लोग a का वैल्यू b का वैल्यू c का वैल्यू d का वैल्यू अगर निकाल देंगे तो ये कांस्टेंट कंप्लीट हो जाएगा. तो पहले से मैंने बोल चुका हूं ए बी सी डी कैसे निकालना है, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर देना. ओके okay?